सीधे लगे तो क्या गाड़ी पार्किंग करने की जगह है? गाड़ी पार्किंग करने की जगह कौन सा कंपनी में काम करता है बता? कौन सा कंपनी में काम करता है बता? BHK हाउस 1.5 करोड़ का आता है मुंबई में, 40 लाख का नहीं। माल चाहिए माल, मैं बोला कौन सा माल? हर टाइप का माल मिलेगा, ये और ये भी मिलेगा। ये चीज हर जगह अवेलेबल है, इसको लिटरली हवा बनाया जा रहा है। ए अंडो सिख छोड़ा, डांस कैसा लगा? निखिल शर्मा AKA मुंबई कर निखिल, जिनको इंडियन केसी नाइस्टैट भी बोला जाता है, वो इंडिया में मोटो ब्लॉगिंग या इन जनरल ब्लॉगिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले सबसे पहले यूट्यूबर है। ही वॉज अ यूट्यूब सुपरस्टार सम इयर्स बैक, लेकिन अभी के टाइम पे ही इज लूजिंग हिज फैंडम रैपिडली। नंबर्स गिर रहे हैं, पर्सनल ब्रांड फेड आउट हो रहा है, ब्रांड वैल्यू शायद बनी हुई है लेकिन दैट टू नॉट फॉर लॉन्ग। और जो सबसे जरूरी चीज है कि उनका फैंडम एक पॉजिटिव नोट पे फेड होता नहीं दिख रहा है। चलिए जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग इन मुंबई का निखिल्स यूट्यूब करियर। सबसे पहले एक ओवरव्यू सुन लो कि मेरा क्या टेक है निखिल पे। पहले तो ये कोई हेट वीडियो नहीं है, इसमें हम लोग वही इंसिडेंट डिस्कस करेंगे जो उनके साथ हुए हैं, एंड लास्ट में विल ट्राई टू फाइंड आउट अ लेसन एज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। मैंने पर्सनली निखिल को इतना फॉलो नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं थे मेरे लिए उस समय, बट आई लाइक दिस पर्सनैलिटी, आई सो हिम एज अ जेन्युइन गाय, और मोस्टली सबको यही लगता था। अभी चीजें बदल गई हैं लेकिन मेरे लिए इतनी नहीं, आई स्टिल लाइक हिम एज अ पर्सन, बस कुछ चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि हर इन्फ्लुएंसर का एक टाइम होता है और वो पीक में सोने के बाद करियर फेड हो ही जाता है, बस कुछ कंसिस्टेंट व्यूअर्स बच जाते हैं। लेकिन निखिल के केस में ये चीजें थोड़ी अलग हैं, उनके कंसिस्टेंट व्यूअर्स काफी कम बचे हैं। अभी उनके चैनल पे सिर्फ 3 से 5 लाख व्यूज ही आ रहे हैं, जबकि अगर व्लॉगिंग कम्युनिटी के और मेनस्ट्रीम लोगों को देखें तो व्यूअरशिप गिरी तो उनकी भी है लेकिन इतनी नहीं। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि आपने किसी क्रिएटर को फॉलो किया, कुछ समय बाद आपको वो रेपिटेटिव लगने लगा और आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन निखिल को अगर देखें तो उनके व्यूअर्स ने उनको सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा कि उनके कंटेंट से वो बोर हो गए थे, काफी सारे व्यूअर्स इसलिए नहीं देखते निखिल के वीडियोस क्योंकि उनको लगता है कि निखिल के अंदर एक चेंज आ गया। मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था अपने कम्युनिटी टैब से, उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। उससे पहले जितने भी व्यूअर्स यूट्यूब पर कॉन्टेंट बनाते हैं उनके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव और यूजफुल प्लेटफॉर्म बताता हूँ, जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ अपने चैनल को एनालाइज और ग्रो करने के लिए। वो प्लेटफॉर्म है वायलेटिक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको नजेस भेजता है जिनमें वो मेट्रिक्स होते हैं जो डायरेक्टली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। For example, engagement overview nudge and profile page nudge. It provides easy to consume and mobile first analytics for SaaS businesses and end users to drive engagement, ROI and growth. जैसे कि एक nudge है Violetic में, weekly overview nudge. तो इसमें एक week का overview दिख रहा है, subscribers gained, views, monthly target, कितना percent achieve हुआ है, and सबसे important एक tip, जो आप देख सकते हो pause करके। इसके अलावा एक और interesting nudge है daily engagement nudge, जिसमें engagement rate भी showcased है। ये मेट्रिक YouTube पर अवेलेबल नहीं है। टोटल इसमें 3 nudges हैं, डेली ओवरव्यू, डेली एंगेजमेंट ओवरव्यू, रीसेंट वीडियो ओवरव्यू, और माइलस्टोन एंड प्रोफाइल nudges बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली हैं। ये सारी nudges आपको बहुत हेल्प करेंगे अपने YouTube को अच्छे से समझने और ट्रैक करने में। साइन अप बहुत ही आसान है, नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करो ऐप को, अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड सेट करो, गोल सेट करो कि चैनल मोनेटाइज करना है या मोनेटाइज चैनल को ग्रो करना है, व्हाट्सएप नंबर ऐड करो, YouTube अकाउंट लिंक करो, एंड ऑल सेट। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है और उसका बेसिक प्लान हमेशा के लिए फ्री है। प्रीमियम के अपने अलग फायदे हैं और ऑलमोस्ट 83 rupees पर मंथ का इसका प्रीमियम है। एक मस्त स्कीम भी है, अगर आप किसी को साइन अप करवाते हो रेफरल से तो आपको और उसको मिलेगा 7 दिन का सब्सक्रिप्शन, और अगर वो प्रीमियम लेता है तो दोनों को मिलेगा 30 दिन का प्रीमियम। सो यू कैन चेक आउट द ऐप। चलो अभी उस पोल के बारे में जानते हैं। उस पोल में लोगों ने बोला कि निखिल की पर्सनैलिटी उन्हें नेगेटिव लगती है, काफी सारे रीजंस दिए निखिल के यूट्यूब डाउनफॉल के, और मेजोरिटी में वही थे जो निखिल को एक सेल्फिश इन्फ्लुएंसर समझते हैं। ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स में यही था कि निखिल को वो तब देखते थे जब वो राइडिंग और अपने फ्रेंड्स के अराउंड होता था, और अब जब ये दोनों ही फैक्टर्स कम हो गए हैं, दे अनफॉलोड हिम और सिंपली जस्ट डोंट वॉच हिज वीडियोस। निखिल के व्लॉग्स का एक बहुत मेन कैरेक्टर था वसीम, और वसीम और निखिल के बीच में चीजें बिटर हुई, कुछ ऑनलाइन कंट्रोवर्सी भी हुई, कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलेंगे लेकिन कुछ तो नेगेटिव हुआ उन दोनों के बीच में। इस इंसिडेंट से भी निखिल की इमेज इफेक्ट हुई, पीपल स्टार्टेड सीइंग हिम एज एन एरोगेंट इन्फ्लुएंसर, और इसके बाद भी काफी सारे इंसिडेंट्स हुए। तो पहले जानते हैं उन इंसिडेंट्स को जिन्होंने निखिल को एक नेगेटिव इन्फ्लुएंसर प्रूव कर दिया। जाने अनजाने में गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां लोगों को लगा कि निखिल उनको मिसलीड कर रहे हैं। एक बार उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री और उसके बारे में बोला, तब भी वो कंट्रोवर्सी में आए, काफी बैकलैश देखने को मिला। पीपोई के कुछ वीडियोस ने भी इस बैकलैश को बहुत बूस्ट किया। माल चाहिए माल, मैं बोला कौन सा माल? हर टाइप का माल मिलेगा, ये पर ये भी मिलेगा। ये चीज हर जगह अवेलेबल है, इसको लिटरली हवा बनाया जा रहा है। अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं, आई एम रियली सॉरी जो लोग टीवी में देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने देख रहे हैं, मैं सब चीजों के बारे में बात नहीं करता, बट यू गॉट द पॉइंट राइट। फिर एक इंसिडेंट हुआ लॉकडाउन में बाहर जाने वाला, जिसमें निखिल ने पहले बोला कि मेरे पास बाहर जाने का परमिट है, फिर बोला कि कोई और शूट कर लाएगा रास्ते के फुटेजेस, मैं नहीं जा रहा।
और फिर उन फुटेजेस में दिख गया कि निखिल खुद गया था एंड ही स्मार्टली ट्राई टू लाई इन फ्रंट ऑफ हिज फैंस और लोगों ने नोटिस कर लिया। सोशल मीडिया पे कुछ छुपाना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। अब इवन फ्लाइंग बीस को भी कितनी बार बैकलैश मिल जाता है कितनी चीजों के लिए। जैसे एक इंसिडेंट हुआ था जहां गौरव के घर कोई टीवी सही करने आया था और उसको गौरव ने हल्का सा नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया अपने ब्लॉग में तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया। सोशल मीडिया पे जहां भी अनकॉन्शियस होकर कुछ भी स्टेप लिया तो बैकलैश मिलेगा और ये सही भी है। जब किसी इन्फ्लुएंसर को ज्यादा प्रेज कर दिया जाता है और उसको कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होता तो वो इन्फ्लुएंसर गौरव जोन बन जाता है। 2019 में पापा ओकस नाम के एक यूट्यूबर ने व्लॉगर्स पे एक वीडियो बनाई जिसमें उसने बताया कि कैसे व्लॉगर्स मैनिपुलेटिव हो सकते हैं और अपनी ऑडियंस को कैसे मिसलीड कर सकते हैं। उस वीडियो में ओकस ने निखिल के बारे में भी बात करी। उसने निखिल के ऑनलाइन पर्सोना को क्रिटिसाइज किया। निखिल आल्सो इज अ बिजनेसमैन just not a very good one. We'll talk about that in a minute. बहुत लोग निखिल को इंडियन केसी नाइस्टार्ट मानते हैं and it's funny because निखिल is downgraded Indian Jake Paul at his finest. क्यों? क्योंकि just like Jake Paul, he's a lifestyle vlogger. Just like Jake Paul, he's not a very ethical businessman. क्योंकि just like Jake Paul, he's delusional. क्योंकि just like Jake Paul, he puts himself out there as if his goal is to make people happy. क्योंकि just like Jake Paul, he has the worst merch in the game. और जब ये वीडियो निखिल तक पहुंचा उसने इस वीडियो पे एक स्ट्राइक मार दी और ये प्रॉपर यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट था। निखिल ने कॉपीराइट स्ट्राइक सिस्टम का मिसयूज किया अपने क्रिटिक की आवाज को दबाने के लिए और जैसा कि हर बार होता है फेक स्ट्राइक से आवाज दबती नहीं है बल्कि और लोगों तक पहुंच जाती है। जब ओकस पे स्ट्राइक आई जेन जी यूट्यूबर्स ने उसको सपोर्ट किया और निखिल पर वीडियोस बनाए जिससे काफी सारी निखिल की ऑडियंस उसके चैनल से हट गई एंड दे स्टार्टेड डिसलाइकिंग हिम। साइमन सेज, डैंक रिशू, सनरेबी और इनके अलावा भी काफी सारे यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक को एड्रेस किया जिसकी वजह से ओकस के वीडियो को एक हाइप मिल गई और निखिल को काफी ज्यादा बैकलैश मिला। अब निखिल, प्राजक्ता, विवेक बिंद्रा ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बहुत जल्दी ऑफेंड होने के लिए जाने जाते हैं और अगर एक बार ऐसी इमेज बन गई देर इज नो वे बैक। ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि आप किसी चीज से ऑफेंड हो रहे हो तो वो उस चीज को बार बार करेगा और स्पेशली जब आप गलत हो। DHH में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है अभी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं देसी हिप हॉप पर वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में डाल दो वी वांट DHH। तो इस स्ट्राइक सीन के बाद निखिल को एक एरोगेंट, सेल्फिश और ऑफेंडेबल माइंडसेट का इंसान समझा जाने लगा और अब उसको अपना स्पॉट फिर से लेने में बहुत मुश्किल आएगी। क्लोज टू इम्पॉसिबल है ये। डेली व्लॉग्स पे व्यूज वैसे ही गिर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी शिफ्ट हो रही है। अब इस टॉपिक का कंक्लूजन कर लेते हैं। निखिल का फैंडम फेड हो रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट सबका ही होता है लेकिन कुछ भुवन जैसे लोग अपनी ऑडियंस को लॉयल रखना जानते हैं और निखिल के केस में ऐसा नहीं है। काफी गलतियां हुई जाने अनजाने में जिनकी कॉस्ट उनको चुकानी पड़ रही है और इनके केस में हमें सबसे बड़ा लेसन ये सीखने को मिलता है कि जब तुम्हें कोई क्रिटिसाइज करे स्पेशली इंटरनेट पर तो इसका रिस्पॉन्स नेगेटिविटी के साथ तो बिल्कुल नहीं देना है। एड्रेस इट और अपने आप को पॉजिटिवली जस्टिफाई करने की कोशिश कर लो। पीपल विल फॉरगिव यू। आई नो ये आसान नहीं होता है बिल्कुल भी लेकिन दिस इज द ओनली वे टू डील विद क्रिटिसिज्म। इसके अलावा जो भी तरीके हैं सब वेस्ट हैं। नेगेटिविटी वाले तो बिल्कुल ही। दिस वॉज इट। अभी अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड वायलेटी को चेकआउट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।